नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, आज हम एक नई पेंटिंग बनाएंगे ट्री ऑफ लाइफ की, और A4 साइज का हैंडमेड पेपर है ये। इसके ऊपर हम इस पेंटिंग को ड्रॉ करेंगे। सब कुछ बनाने के लिए मैं माइक्रोन पेन का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले मैंने बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है। हाफ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और हाफ सेंटीमीटर के 3 बॉर्डर बनाए हैं मैंने, और इस तरह से इस पूरे पेज पे हम बॉर्डर बना लेंगे। अब इसके अंदर हम डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन को एक जैसा बनाने के लिए मैंने 2-2 सेंटीमीटर की दूरी पे डॉट्स लगा लिए हैं। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर में डिजाइन बना लेंगे। बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हम अपने पेज में बाकी की चीजें ड्रॉ कर लेंगे। हमें इसमें पेड़ बनाना है, और साथ ही ट्री ऑफ लाइफ को जब हम इसके फुल फॉर्म में बनाते हैं तो बहुत सारे जीव जंतु, जल जीवन और पशु पक्षी वगैरह को चित्रित किया जाता है। तो इसमें हम सांप, कछुआ, मछली, मोर, हिरन वगैरह सब कुछ बनाएंगे, पक्षियों को भी दिखाएंगे और फूल पत्ते वगैरह सब कुछ हम इसमें ड्रॉ करेंगे। दोस्तों, ट्री ऑफ लाइफ के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिर्फ ट्री और कुछ पक्षी बनाकर दिखाया था। आज के ट्री ऑफ लाइफ में हम पशु पक्षी जीव जंतु सब कुछ बनाएंगे। दोस्तों, मेन फीचर्स को मैंने पहले ही हल्के हाथ से पेंसिल से ड्रॉ कर लिया है ताकि मैं सारी चीजों को बिल्कुल सही जगह पे बना सकूं, और साथ ही मैं कुछ भूलूं नहीं। आप भी सीधे पेन इस्तेमाल करने के बजाय पहले पेंसिल से सब कुछ ड्रॉ कीजिएगा ताकि आप करेक्शन कर सकें अगर उसका शेप अच्छा ना बने तो, और सारी चीजें सही जगह पे बना सकें। सबसे पहले पेंसिल से बनाइए और उसके बाद पेन का इस्तेमाल कीजिए। माइक्रोन पेंस का इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है, आप परमानेंट मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस पेंटिंग को ड्रॉ करने से पहले मैंने अपने पेपर को बीच से 2 भाग में बांट लिया था, यानी कि बीच में एक लाइन बना ली थी हल्की सी ताकि मैं इस शेप को बराबर बराबर दोनों तरफ बना सकूं। और मेरा पेड़ पेपर के ठीक बीच में बने। दोस्तों, कछुआ, सांप, शंख, मोर, मछली, पक्षी जैसे कि तोता वगैरह सब कुछ मैंने अलग-अलग वीडियो में बनाना सिखाया हुआ है। ये सब कुछ मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ,
तो अगर आप मेरे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको हर टॉपिक और हर शेप से रिलेटेड अलग-अलग वीडियोस मिल जाएंगे। अभी ये सब कुछ मैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में बना रही हूँ और अपने दूसरे वीडियोस में मैंने ये सब कुछ बहुत डिटेल में बनाया हुआ है क्योंकि बड़ा बनाकर दिखाया है। इसमें हमें इस पेज के अंदर ये सारी चीजें ऐड करनी है तो हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर सकते। ठीक यही डिजाइन हम इस दूसरे साइड में भी बना लेंगे। दोस्तों अगर आप मधुबनी पेंटिंग को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरा कोर्स किया है उन्होंने उसको बहुत पसंद किया है। Thank you.
ठीक इसी तरह के डिजाइन हमें दूसरे साइड में भी बना लेनी है। अब हम अपने पेड़ को भी डिजाइन से सजा लेंगे। दोस्तों इस तरह के डेकोरेशन के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। मैंने अपने वीडियोस में भी बहुत सारे डिजाइन बनाना सिखाया है और आइडियाज लेने के लिए अगर आप चाहें तो मेरा मधुबनी बॉर्डर डिजाइन्स का वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे डिजाइन के आइडियाज मिल जाएंगे। दोस्तों हमारी पेंटिंग की ड्राइंग का काम कंप्लीट हो गया है। ये ड्राइंग आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकें और नई नई पेंटिंग बनाना सीख सकें। बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।